मकर संक्रांति का पर्व बेटमा नगर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने मंदिरों में देव दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत की। वहीं गौशाला में जाकर हरी घास, चापड़, गुड़ व अन्य सामग्री भेंट की। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वैश्य महासम्मेलन बेटमा द्वारा श्री राम जानकी गौशाला में हरी घास, चापड़, गुड़ व अन्य सामग्री भेंट की। गायों को हरी घास और गुड़ खिलाया गया। वहीं बच्चों और बड़ों ने गुल्ली डंडा खेलकर और पतंगबाजी कर संक्रांति पर्व को मनाया। साथ ही हिंदू धर्म में चल रहे मलमास के तहत बेटमा के श्री राधे कृष्ण मंदिर में खंडेलवाल अग्रवाल महिला ग्रुप और अन्य सामाजिक भक्ति मंडलों की महिलाओं द्वारा कृष्ण के कर्ण प्रिय भजनों का आयोजन पिछले 15 दिनों से रोजाना शाम 3:30 बजे से 5 बजे तक होते हैं। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय गो माता की। श्री राम जानकी गोसेवा धाम श्री बदीपुरा बालाजी मंदिर बेटमा में आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़ी धूमधाम से बेटमा नगर व आसपास गांव के समस्त भक्तगणों द्वारा गौ माता की पूजा करी गई, गौ माता की सेवा करी गई और श्री राम जानकी गौ सेवा के संचालन 4 गौशाला संचालित की जा रही है, जिसमें 600 गौ माता की सेवा की जा रही है और ऐसी गौ माता जो बीमार दुखी है, एक्सीडेंट वाली है, ऐसी गौ माता की भी सेवा श्री राम जानकी गौशाला बेटमा में की जा रही है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वे बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा में सहयोग करें और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय गौ माता। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की ओर से एक कार्यक्रम था, गौ सेवा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गौ सेवा महापर्व मनाया। इस अवसर पर बेटमा वैश्य महासम्मेलन की ओर से हमारे अध्यक्ष अजय जी खंडेलवाल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम बेटमा में आज के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को हरी घास, गुड़, चापड़ इत्यादि जो उनको हम आज उनको हम देंगे और साथ में सभी वैश्य बंधुओं की इसमें सहभागिता होगी। इसलिए आज सारे वैश्य बंधु यहाँ एकत्रित होकर गौशाला परिसर, राम जानकी गौशाला परिसर में जो विगत 25 वर्षों से यहाँ चल रही है उसमें यहाँ पर उपस्थित होकर गौ माता की सेवा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।